हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूबे में इन दिनों चारों तरफ चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने चुन चुन कर अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। सभा पार्टियां इन दौरान दिनों चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी बीच रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राज्य में दो चार सीटों को छोड़कर लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सूबे में पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जनता पार्टी की सरकार में त्रस्त है और ऐसे में लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे और राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। निर्दलीय उम्मीदवारों और अन्य दलों को लेकर उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियां बीजेपी के आदेश पर काम कर रही हैं, चाहे वो इनेलो हो, जजपा हो या फिर गोपाल कांडा की हरियाणा जनहित पार्टी हो। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बीजेपी द्वारा प्रायोजित लोग छोड़ रहे हैं, जो लोग के मन में भ्रम पैदा करने और वोट काटने के लिए है, लेकिन वोट इन लोगों को पहचान चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी उम्मीदवारों का मुकाबला नोटा से होगा और असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। उम्मीदवारों के नामांकन वापस कराए जाने को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि टिकट एक को ही मिलता है, हालांकि इसके लिए कई लोग प्रयास करते हैं, ऐसे में निराश और भावुक होना स्वाभाविक है। सांसद ने कहा कि करीब 80% लोगों ने उनकी बात मानते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया, बाकी बचे लोगों को भी कांग्रेस के पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। सांसद ने कहा कि हरियाणा जय जवान जय किसान जय पहलवान जय संविधान का प्रदेश है, लेकिन बीजेपी ने इन चारों पहलुओं पर आक्रमण कर दिया, बाबा साहेब के संविधान पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा दोबारा से जय जवान जय किसान जय पहलवान जय संविधान जय नौजवान का प्रदेश बनेगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी ने क्या किया है, ये लोग अच्छे से देख चुके हैं। इस सरकार ने किसानों का अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सांसद ने कहा कि मौजूदा सरकार 750 किसानों की कुर्बानी लेने वाली सरकार साबित हुई। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने अग्निवीर मुद्दे और महिला पहलवानों के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी को घेरा और सरकार पर इनका अपमान करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि हर वर्ग राज्य सरकार से परेशान है और ऐसे में जनता पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।